न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। रोना ग्राम पंचायत के सरपंच नरेश मानिक ईश्वरकर के तरफ से माननीय तहसीलदार मुहाड़ी ने 3,08,00,000 रुपए वसूल करने का आदेश पारित किया। दिनांक 16 मार्च 2019 के रात 10 बजे मौजा बेटाला तहसील के मोहाड़ी रेती घाट पर अवैध रेती उत्खनन और वाहतूक कर जिला गौन खनिज के बरारी पतक को गालियां देकर हमला करने से श्री नरेश मानिक ईश्वरकर के खिलाफ पुलिस स्टेशन मोहाड़ी में अपराध क्रमांक 30/2019 दिनांक 17 मार्च 2019 को भारतीय दंड संहिता 1860 के कलम 353, 307, 143, 333, 504 और 34 मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 के कलम 135, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 के कलम 48-7, 48-8 अनवय फौजदारी गुना दाखिल किया। दिनांक 4 अगस्त 2018 को मौजा मोहगांव देवी के अवैध रेती साटे का लीलाव लेके नरेश ईश्वरकर सरपंच रोना ये अवैध रेत वाहतूक का डंपिंग का व्यवसाय करने का प्रयास किया। इस प्रकरण में बेल पे छूट कर आया है। फिलहाल तालुका में शांति का और सुव्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस कारण इसकी बेल रद्द करने के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय नागपुर के खंडपीठ में याचिका पेश करने वाले हैं। फिलहाल श्री नरेश ईश्वरकर को मौजा रोना के स्थित खेती में 500 ब्राज अवैध रेती डंप करने का रोज रोज ट्रक के मालकों को बेच रहा है। दिनांक 16 मार्च 2019 को हुए हादसे में 17 मार्च 2019 को गुनाह दाखिल करने में आया। मौके पर का पंचनामा कर उसके आधार पर और बाकी सबूत को लेकर तहसीलदार मोहाड़ी श्री गणेश मानिक ईश्वरकर के खिलाफ 3,08,00,000 रुपए वसूलने का आदेश करने में आया। सजा के रूप में ये पैसे 7 दिन में वसूल करने का प्रशासन ने आदेश दिया है। सजा की रकम वसूल नहीं हुई तो सरपंच के पद से पदमुक्त नहीं किया तो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के तरफ से उपोषण और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के गरोना गांव के सरपंच नरेश मारुति ईश्वरकर, इन्होंने अवैध रूप से रेती का व्यवसाय कर रहे है। इनके ऊपर 3,08,00,000 रुपए का फाइन हुआ है और वो फाइन की वसूली करने के लिए और उनको सरपंच पद के बर्खास्त करने के लिए ये हमने वो पत्रकार परिषद रखी हुई। और जब तक के ये शासन 3,08,00,000 रुपए इनसे वसूल नहीं करता तब तक के हम स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन जिला भंडारा की तरफ से आंदोलन का इशारा देते आज पत्रकार परिषद हमने घोषित।